आई एम फरियाल खान, मैं हूं आपकी होस्ट, और आज हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं सर फिदा चौधरी, मिस्टर फिदा चौधरी, अ सीनियर एंकर एंड अ सीनियर एनालिस्ट। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर। पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर काफ़ी डेकेड से हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली जो ये डेकेड था 2010 टू 2020, जिसमें हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का। जो मेन जो फाइन लाइन हमने नोटिस की है, स्पेशली जो हमारे जो टीनएजर्स हैं, जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस काफ़ी आई है और हमारा कल्चर ओवरऑल चेंज हुआ है। और अभी जो करंट सिनेरियो में जो हमारे जो इलेक्शंस हुए हैं, और उसमें एक एक बूढ़ा बूढ़ी बच्चा बच्ची फैमिली का एक एक इंसान वोटिंग के लिए और इलेक्शंस के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपना टाइम, अपनी एनर्जी, और जलसों में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है, तो उसको आज हम लेके चलेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर में क्या क्या चेंज आया, क्यों आया है, कैसे आया है। और इसके लिए हमारे साथ हमारे एनालिस्ट हैं सर फिदा चौधरी, जो हमें डिटेल्स में बताएंगे कि ये कल्चर किस तरह और कैसे वजूद में आया, और ये कहाँ तक हम इसको देखते हैं आगे फ्यूचर में, किस तरह हम इसको लेके, किस तरह ये कल्चर आगे और मजीद प्रिवेल करेगा। जी देखें, जो पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर में बहुत ज़्यादा वक्त के साथ चेंजिंग्स आई। अगर हम पीछे देखें 1970 से अगर स्टार्ट लें कि वहाँ किस तरह से था, किस कम्युनिटी के लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते थे, वो क्या करते थे, और कौन से उसमें जेंडर्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती थी उसमें, और आज की जो है पॉलिटिकल कल्चर उसमें क्या चेंज है। तो अगर 70s में आप देखें तो एक जो था कि जागीरदार तबका आपके सिंध के अंदर था, पंजाब के अंदर भी इसी तरह से था कि एक आदमी के कहने पे पूरा पूरा वोट डलता था। विलेजेस में आप देखें, एक चौधरी नगर कह दिया कि यार ये वोट डलेगा, इस पार्टी को डालना, तो वहीं कंसेप्ट नहीं था कि हमने आया कि इस बंदे को देना है या नहीं देना, इसका पॉलिटिकल कैरियर क्या है, ये हमारे लिए कुछ कर सकता है नहीं कर सकता, हम वन मैन शो पे चल रहे थे। इस तरह वक्त के साथ चेंज आया। और उसके बाद आप देखें कि 1980s में जब मार्शल लॉ लगा, उसके बाद जनरल ज़िया की गवर्नमेंट आ गई, तो आपका टोटल जो पॉलिटिकल कल्चर था, जो स्नैरियो था, वो रिलीजियस उस पर चला गया जमातों के पास, क्योंकि जनरल ज़िया उल हक का जो माइंडसेट था वो यही था कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को लेके चलना है, उन्हें उससे हवाले से जो है इस्लामिक काउंसिल्स बनाई और उसको आगे लेके चले। और इसके साथ 90s में आप देखें, जैसे ही जनरल ज़िया का दौर खत्म हुआ था, उसके बाद बेसिकली जो जमहूरियत है 1970s के बाद जो जमहूरियत का दोबारा दौर स्टार्ट हुआ है, तो वो 90s में हुआ है जनरल ज़िया की डेथ के बाद। तो ये सारा जो पीछे आप चेंज देख सकते हैं, तो ये वक्त के साथ तब्दीलियां आई हैं, और अभी इसमें आने वाला जो अब है फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आ रही है। और बिल्कुल आप ये भी देख सकते हैं कि आज का जो चेंज है, अभी अगर हम फौरी तौर पर देखेंगे 90s में, 2000 में और 2010 के बाद, तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। और उससे 2010 से पीछे आप देखें तो फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं थे, सिर्फ एक वोटर तक जो क्लास थी जिसका वोट होता था वही इसमें दिलचस्पी लेता था इलेक्शन में, कंपेन्स में वोट डालने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनकी एसोसिएशन होती थी, तो सिर्फ उन लोगों की ही होती थी। जी बिल्कुल सर, मैं अभी इसी बात पे ही आ रही थी, स्पेशली अगर मैं अपने आप को भी देखूँ तो एज ए यंग, लाइक यंग एडल्ट, हमने इसी डेकेड में ही कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ अपनी कम्प्लीट की है, तो इसमें हमारे जो पाकिस्तान में जो कल्चर है वो आपको पता है पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में ज़्यादा पेट्रियार्चल कल्चर है, और एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री में हमारा जो आदमी है वो, हमारा जो भाई है वो नहीं पसंद करता कि उसके घर की वुमेन या उसके घर की जो बीवी या बच्ची वोट पे जाए, या वोट कितना इंपॉर्टेंट है, वोट की सिग्निफिकेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कल्चर में तो बिल्कुल ही नहीं थी। लाइक हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी कि वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वही हल्के जो बने हुए होते थे और उसी में ही सिलेक्टेड लोग थे और उन्हीं को ही वोट डालना था, और पीपल्स पार्टी और नून लीग गवर्नमेंट जो हम जानते हैं। लेकिन ये इस वाले डेकेड में 2013 में जो बाकायदा अवेयरनेस आई और लोग नून लीग के बाकायदा खिलाफ थे, और यूथ का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले है कि यूथ ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया अंडर द सुपरविजन, अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान, जिन्होंने ये अवेयरनेस दी है कि आपका वोट कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए बेसिकली फ्रेंड, इसमें ये हुआ कि जो पॉलिटिकल चेंज, आप जो कल्चर चेंज की बात करें, वो यही आया है
कि लोग जो है ना मायूस हो चुके थे उन्हीं चंद खानदानों में, उन्हीं चंद पार्टीज के दरमियान, देख देखे कि कभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, कभी नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, कभी जेजुआई की गवर्नमेंट आ गई। तो इसी तरह से जो है फिर आगे आपके प्रोविंस जो डिवाइड हुए हुए थे कि जेजुआई के पास कौन सा होगा, पीपल्स पार्टी के पास कौन सा प्रोविंस होगा, नून लीग के पास कौन सा होगा, इसके बाद जो फेडरल की गवर्नमेंट है उसके अंडर जो किसका होगा, और जो आपका केपी के वहां पर कौन सी होगी। तो इस सारी चीजों के साथ साथ अगर आप देखें थोड़ा सा इस पर फोकस करें तो इमरान खान ने बेसिकली लोगों को शऊर दिया है, लोगों को अवेयरनेस दी है कि आप अपने हक के लिए निकलें। और लोगों के निकलने की बेसिक वजह भी यही थी कि उसका जो बयानिया था वो बहुत स्ट्रांग था, उसने एक चीज का दे दिया माइंडसेट लोगों का बना दिया कि ये जो पिछले तमाम लोग हैं ये सब चोर हैं और हमने इन चोरों के खिलाफ इकट्ठे होना है। तो जिसके एक नारे के ऊपर जो है कि लोग बाहर निकले, इसके अंदर हमारी यूथ बाहर निकली, हमारे लोग बाहर निकले, फैमिलीज इवन बाहर निकली। आप देखें कि इमरान खान का वाहिद जलसा होता है, उसका पॉलिटिकल जितने भी पार्टीज के जलसे हैं उनके और इसके जलसों में, पीटीआई के जलसों में सिर्फ एक मेन जो है डिफरेंट चीज है वो ये है कि जो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जेजुआई हो, कोई भी पार्टी हो, वो अपने वोटर्स को, लोगों को खुद जलसे में लेकर आती है, उनको ट्रांसपोर्ट देती है, उनको फैसिलिटेट करती है। बट जो पीटीआई का जलसा होता है उसके अंदर जो लोग आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी कन्विंस भी आते हैं, अपने एक्सपेंड करके आते हैं, उनको लाया नहीं जाता। ये एक बेसिक शऊर है, अवेयरनेस है। जी सर, एग्जैक्टली। और सर यही जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ये हमारे यहाँ बहुत जरूरी थी, स्पेशली जो ग्रोइंग जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान जैसे, इसमें पॉलिटिकल कल्चर को चेंज करना इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इमरान खान की जो हमारी, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज में जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट यूथ पैनल पे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे जो काम कर रही है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है पॉलिटिकल अवेयरनेस पे ट्रेनिंग्स देना और पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करना। इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, लाइक ग्लोबली जो सोशल मीडिया में जो चेंज आया 2005 से 2015 तक, और हमारे यहाँ सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया ही मेन सोर्स बन चुका है लर्निंग का, किसी भी चीज़ की अवेयरनेस लेने का। तो सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि हमारे जो घरों के जो कल्चर है जिसमें हमारा जो आदमी और हमारा जो भाई, हमारा शौहर लाइक हस्बैंड नहीं बर्दाश्त करता था कोई भी कि वो घर से कोई हमारी वुमन बाहर निकले, और उसका वोट कितना इम्पोर्टेंट है। और सर इसके जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आप क्या देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जीडीपी का बहुत बड़ा रोल होता है वुमन की पार्टिसिपेशन का हमारी इकोनॉमी में, जो कि हमारे लोगों को ये नहीं पता। तो अभी ये जो पॉलिटिकल कल्चर जो चेंज हुआ है और बहुत ही वंडरफुली चेंज हुआ है, लाइक एक एक बूढ़ा बूढ़ी जो हैंडीकैप लोग हैं, जो चल नहीं सकते, माजूर, वो लोग भी पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, वो लोग भी पाकिस्तान की प्रोग्रेस और पाकिस्तान की स्ट्रगल में, उसको डेवलपमेंट की स्ट्रगल में जो है वो आगे आए हैं। लाइक इधर इस जनरल इस कॉमन इलेक्शंस में भी जो अभी हुए 2018 में और 2013 में भी यही सिचुएशन थे। तो लोग किस हद तक सीरियस हो चुके हैं कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट को लेके और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेके और अपनी वोटिंग की सिग्निफिकेंस को समझते हुए। जी देखिए फिलहाल इसमें ये चीज है कि आप क्या समझते हैं इस चीज को, कि जी बिल्कुल के जो चेंज आया है वो यही चेंज आया है कि आपका सोशल मीडिया बहुत आम हो गया, सोशल मीडिया पे हर आदमी को आजादी है, वो अपनी बात करता है। तो सर आपका इसमें क्या, ये आपका इसमें क्या टेक है कि वुमेन की जो पार्टिसिपेशन जो पॉलिटिक्स में हो चुकी है तो ऑब्वियसली इसका जो है इम्पैक्ट इकोनॉमी में हमारी पड़ेगा। देखिए इकोनॉमी पे इस तरह से कि आपकी आज की जो वुमेन है वो आपकी हर फील्ड में आ चुकी है, आपकी आप इवन ये देखेंगे फोर्सेस में है, आपके ब्यूरोक्रेसी में है, आपके बिजनेस में है, जो है कि ऑर्गेनाइजेशंस चला रही हैं जिससे आपके जीडीपी बढ़ रहा है और लोग और फीमेल्स को जो आगे आने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आज के दौर में जो आज से पहले नहीं थी। और इसी तरह से पॉलिटिकली अगर आप देखें तो अभी हर पार्टी के अंदर फीमेल्स की एक खास तादाद है, उसके उनको सीट्स देनी होती हैं, इस तरह उनकी जो ऑनरी वो सीट्स होती हैं वो फीमेल्स के लिए उन्होंने मुख्तस की होती हैं, उनको देते हैं। क्योंकि आपने इंटरनेशनल सिनेरियो में जब आप देखते हैं, आपने आगे जाना है तो आपने इन सब चीज़ों को मेजर करना है, आपने मीटअप करना है। अब आप ये देखें कि वो आपके जो ISO सर्टिफिकेशंस होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, वो उनके अंदर आपका जो फीमेल्स का वो एक रेशो है कि उसके मुताबिक आपने जॉब्स देनी है, आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी है, देन आपको ISO सर्टिफिकेशंस होती हैं। तो इसके साथ साथ आप पॉलिटिकल की क्योंकि बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये इमरान खान के आने के बाद जो है कि बहुत ज्यादा चेंज आया है, लोग फैमिलीज बाहर आई हैं, लोग बच्चों को लेके बाहर आए हैं, अब उनके जलसों में देखें लोग जाते हैं, वहां पर बात करते हैं, अब सोशल मीडिया पे देखें, सोशल मीडिया पे हर आदमी जो अपनी मर्जी से बात करता है,
हर आदमी को हक मिल चुका है, उसको पता चल गया कि मैं जो भी बात किसी के खिलाफ करूं या हक में करूं, मैं जो बेहतर समझता हूं मैं कर सकता हूं। और अब आप ये देखें, अभी जो रिसेंटली जो सारा वो हुआ है, अभी जो पंजाब की गवर्नमेंट बनी है उसके परवेज अली वजीर आला बने, इस दौरान जो है लोगों ने इवन जजेस के बारे में बात की, आर्मी के बारे में बात की, जो आज से पहले जो है कि आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर मुकदस गाय की हैसियत रखते थे कि जी यानी कि आपका मीडिया उन पर बात नहीं कर सकता, आपके लोग ओपनली बात नहीं कर सकते, आप अभी आज से 1980s के दौर के लोगों के जो लोग हैं उनसे बात करें, वो कहते हैं कि जो बात वो लोग बंद कमरों में करते हुए डरते थे आज वो बात ओपन हो रही है, ओपन डिस्कशन हो रही है, ओपन फोरम्स में वो बातें हो रही हैं जो कभी लोग बंद कमरों में करते हुए डरते थे कि कोई सुन लेगा तो हमारे बारे में क्या राय देगा, कहीं पर हमारे खिलाफ कोई बात नहीं हो जाएगी। अब आप ये देखें कि इवन आपका कि जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हैं वो भी लोग ओपनली डिस्कशन में लेके आए हैं, लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, लोग एक दूसरे को बताते हैं, अवेयरनेस लेवल है। उस अवेयरनेस के आने के अंदर जहां पर आपकी जो है कि पार्टीज का रोल है, वहीं भी आपके सोशल मीडिया का, आपकी जनरेशन का, आपके एजुकेशन सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल है कि आपकी अवेयरनेस आई है लोगों को। ग्रेट पॉइंट ऑन दिस टॉपिक। तो सर इसमें आप कैसे देखते हैं वुमेन की, उससे ऑब्वियसली इससे जो है बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है वुमेन की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जब हो जाती है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ती है। लाइक अभी भी पाकिस्तान का ऐसा बहुत ज़्यादा एरिया है, पाकिस्तान का ऐसा बहुत ज़्यादा चंक है जो वुमेन की पार्टिसिपेशन नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि हम लोग काम जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी ओरिएंटेड करते हैं। देखिए हम बेसिकली बात ये कि हमारी जो कम्युनिटी है, क्योंकि हमारा सर अभी तक कल्चर यही है कि हमने अगर पैसा नहीं है तो तभी हमने पैसा कमाना है। लाइक हम लोग इस चीज़ को ये नहीं समझते कि हमने वैल्यू ऐड करनी है और कितनी इंपॉर्टेंट है वुमेन की पार्टिसिपेशन एज वेल एज मेन की भी। तो अभी पाकिस्तान का ऐसा बहुत ज़्यादा एरिया है जिसमें इस जो पॉलिटिकल कल्चर में चेंज आया, जिसमें एक एक बंदे की जो शमूलियत हुई है। देखिए फ्रेंड, इसमें ये चीज़ है कि आप बात करें इकोनॉमी के हवाले से, तो बेसिकली जो हमारी सोसाइटी वो मेल डोमिनेंट है कि हमारा मेल डोमिनेंट यहाँ पर सोसाइटी है जिसके अंदर मर्द को एक खास अहमियत हासिल है कि वो कोई भी काम फैमिली को वो लेके चलता है, फैमिली को आगे वो बताता है कि आपने किस तरह से चलना है, वो फैमिली के एक्सपेंस जो है वो बेयर करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमी को भी इसी के साथ ही आप देखेंगे ना कि अभी आपकी फीमेल्स आ गई हैं, वो जॉब्स कर रही हैं, वो बिजनेस कर रही हैं, वो छोटे छोटे हैंडवर्क कर रही हैं, अपने एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस में बहुत ज्यादा आ गई हैं। इसी चेंज से ही जो है हमारा ये चेंज भी ब्रॉडर लेवल पे आने वाला है, जो कि एक गुड साइन है एक ग्रोइंग कंट्री पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए। पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए ये एक बहुत ही डाइवर्स साइन है कि एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग इन इट्स डेवलपमेंट एंड इन इट्स इकोनॉमी। थैंक यू सर।